देखिए, मैंने एक हफ्ते बाद गाड़ी स्टार्ट की है। जैसा आपको मालूम है कि मैंने गाड़ी धुल के खड़ी की थी, तब इसके चिपक चुके हैं ब्रेक। अब ये देखिए, मैंने डाउन किया है, फर्स्ट गियर लगाया है, मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। ये देखिए, आगे ही नहीं बढ़ रही। ये देखिए, पूरी जान लगा रही है गाड़ी, ये देखिए जा ही नहीं रही है। देखिए, मैंने ओट भी कहीं नहीं लगाया है। ये देखिए, मैं उधर लगाया है। रिवर्स करके देखते हैं एक बार, हो तो रही है, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। अब देखिए, अब जाने लगी, चिपक जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो एक बार फॉरवर्ड और रिवर्स करके ज़रूर देखें। ताज्जुब की बात यह है कि जब भी मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ तो ना तो मेरी गाड़ी गियर पे रहती है, ना मेरी गाड़ी हैंड ब्रेक पे रहती है। अब ये हुआ कैसे, पहले आप वो समझ लो। मैं क्या करता हूँ कि गाड़ी लाता हूँ, गंदी होती है तो धुल देता हूँ, धुल के गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। समस्या ये है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो जो ब्रेक शू हैं उनमें एक प्रॉपर्टी रहती है कि वो मॉइस्चर को अपने में खींचते हैं, लेते हैं। तो जब किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ जाती है तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है, इसीलिए वो आपका लेदर हल्का स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि गाड़ी लेके आया, पूरा हीट रहता है ड्रम, तो एक भी मॉइस्चर रहता नहीं। अब मैंने गाड़ी धुली, वैसे को तो मैं डायरेक्ट खड़ी कर दूंगा तो शायद ना जाम हूँ, पर जब मैंने गाड़ी धुली तो ड्रम पे भी मारा, हर जगह पे मारा, तो कहीं इतना ज़्यादा नीचे साइड पे मॉइस्चर रहता है कि वो, और गाड़ी भी बहुत जल्दी ठंडी होती है तो मॉइस्चर चला जाता है आपके ब्रेक शू में। अब जैसे मैंने खड़ी की, शुरुआत में मॉइस्चर लिया, हल्के हल्के स्वेल करके, और बिल्कुल ड्रम से चिपका हुआ रहता है ब्रेक शू, तो हल्का सा वो और सूज जाता है, तो पीछे वाला ड्रम ब्रेक पकड़ लेता है। आज पहली बार हुआ है कि मैंने रिवर्स करके फिर फॉरवर्ड किया है तो निकल गई है, नहीं तो कभी रिवर्स नहीं करता था। आज पहली बार किया, नहीं तो फॉरवर्ड करता था तो कुछ देर दम लगाती थी, खट से आवाज़ आती थी और गाड़ी चलने लगती थी। तो अगर आपको करना है तो आप रिवर्स और बैक करके एक बार चेक कर लें, होता है। पिछले साल नहीं होता था, इस साल वगैरह, क्योंकि मैंने इस साल नए ब्रेक शू डलवाए, पिछले साल वाले घिस चुके थे, अपना काम कर चुके थे, ये नए थे। नए बालों में ये प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा है कि पिछले साल मेरे पुराने थे तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, जब से मैंने नए डलवाए तब से ये आ रही। बाकी इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है कि अगर आपका पूरी तरीके से सीज हो जाए तो आप कैसे उसे ठीक करोगे। दूसरों की तो मैं बात नहीं करता, पर जितने लोग देखने वाले हैं, आपकी कहीं पर भी गाड़ी खड़ी हो, आप ये हो कि आप आज खड़ी कर रहे हो, आप 3-4 दिन बाद निकालोगे, तो धुल सकते हो, धुलने की दिक्कत नहीं, पर हैंड ब्रेक लगा के मत, क्योंकि अगर हैंड ब्रेक आपने लगा के रखा उस टाइम पे कहीं से बारिश आई या बारिश होती भी है तो हल्का सा स्वेल करेगा। नई गाड़ी है जिनकी, उनको कोई दिक्कत नहीं, पर हो भी सकता है, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं, गारंटी भी नहीं। फर्स्ट गियर पे डाल दीजिए, अगर फॉरवर्ड में दीवार है कहीं पे तो रिवर्स में डालिए, अगर रिवर्स में कहीं पे दीवार है तो फॉरवर्ड में डाल दीजिए। समझ गए? नहीं समझे फिर से मैं बता, अगर सामने तरफ दीवार है तो आप रिवर्स गियर पे डालिए, कि अगर गलती से आपने स्टार्ट भी की तो, अब तो पावर प्लस में और इनमें BS6 में बिना क्लच के गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, पर पहले वाली हम लोगों की हो जाती थी, वो गियर पे भी हो जाती थी तो झटका देती थी स्टार्ट में। तो अगर रिवर्स लगाएंगे तो पीछे की ओर आएगी अगर सामने की दीवार है, और अगर पीछे दीवार है तो फॉरवर्ड लगा दे, कि गलती से आप सेल्फ मारते हो तो आगे की तरफ बढ़े। तो मिलते हैं किसी और वीडियो, धन्यवाद आपसे।